साक्षरता पत्रिका के इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलते हैं इंदौर के जन शिक्षण संस्थान में। इंदौर नगरी जो कपड़ा मिलों के लिए बहुत मशहूर थी, वहाँ आज बहुत बेरोजगारी है क्योंकि मिलें बंद हो चुकी हैं। लिहाजा जन शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा पाकर ऐसे बेरोजगार मजदूर और उनके परिवार के लोगों को बहुत सहायता मिली है। यहाँ हम ऐसे ही लोगों से मिलेंगे और आपको सुनवाएंगे उनकी दास्तान, किंतु उससे पहले मिलते हैं श्री बागमारे जी से जो यहाँ की संस्था चलाते हैं। श्री बागमारे जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमें इंदौर नगरी के बारे में कुछ बताएं और यहाँ की जन शिक्षण संस्थान के बारे में बताइए। पहले हम सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए श्रमिक के बच्चों के लिए कार्य करते रहे, परंतु अब संपूर्ण जिले में ग्रामीण क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं और हमारे नए जन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य भी यही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हमने नए किए हैं, जैसे नव साक्षर कुछ हमने बनाए हैं और आज उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जिला इंदौर जिला साक्षरता में अपना कहीं ना कहीं एक पहले नंबर पे आया है। उसने अपना वजूद कायम किया है, स्थान बनाया है, साक्षरता में भी कई नए चीज़ें जुड़ी हैं। उस माध्यम से मैं भी ये चाहूँगा कि नए माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को नए तकनीक से हम उन्हें पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उन्हें ऐसे नए रोजगारों से जोड़ें ताकि आने वाली नई जनरेशन उसका लाभ ले सके और शहरी नहीं ग्रामीण इलाकों की भी जनरेशन जो हैं, जो छात्र हैं, प्रशिक्षार्थी हैं, वो इसका लाभ पूरा उठा सके। सबसे पहले तो हमारे बाबा इतने हमको बहुत फोर्स कर रहे हैं। हम बोले कि हमने आते, हम तो मतलब ऑफिस में ना आ सकते, घर के मोहल्ले के ये पड़ी है ना मोहल्ला ये भू, तो इस कारण नहीं आ सकते। तो फिर हमने मिस्टर में बोला, नहीं बोले ऐसी कोई बात नहीं, तू चले जा, बोले मैं ही तेरे पीछे जो पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा। तो हिम्मत बढ़ गई, फिर आगे चले। तो फिर इधर का पूरा 3 महीने का ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद फिर मशीन ली। मशीन लेने के बाद फिर धंधा कर रहे, बना के बेच रहे। बेचने के बाद फिर इसने अपना और उम्मीद पड़ी कि भाई अपने किसने और पैसा मिलता है, तो फिर इसमें और बना के इकट्ठे माल लेके और बेच रहा। मिल बंद पड़ी थी, इनके पास नौकरी नहीं थी, जब हम इसी से काम चलाते थे। मैंने चमड़े का खिलौने का काम सीखा, जन संस्था इंदौर से सीखा है और मैंने ये काम 2 माह के कोर्स में सीखा था। अब ये काम मैं खुद घर पे करता हूँ। पहले खिलौने को तार से ढांचा बनाया जाता है, फिर इसको लपेट करके ऐसा लट्टू बना दिया, वो ढांचा सांचा बना दिया, ऊँट का आकार दिया जाता है। उसके बाद डाई में बिठाकर लुगदी और चीहे का कागज़ का बुरादा और चीहे का आटे की लाई बनाई जाती है। उसके बाद इसको पाँव से कूदने के बाद ऐसा लद्दा बन जाता है, उसका जो सांचे में बिठाया जाता है। उसके बाद इसको सूखने रख दिया जाता है। 1 दिन के सूखने के बाद इसकी पोज की जाती है और फिर इसमें खूर और पट्टी की जाती है, उसके बाद टचिंग किया जाता है और इसका फिर कच्चा बन के इसका तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर इसमें चमड़ा चढ़ाया जाता है। चमड़ा चढ़ाने के बाद फिर इसको कट, पॉलिश, कट फिनिशिंग, काठी बद्दी,
फिर ऐसा पैक करके माल बाहर भेजा जाता है। महीने में तो अपने तीन चार हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं अपन, और जो साथ में और भी कारीगर काम करते हैं इसमें, ये चार पांच कारीगरों के हाथ द्वारा ही तैयार किया जाता है खिलौना। जन सेवा संस्थान ने हमें सब सामान की उपलब्ध कराया था, उसके द्वारा हम काम सीखे, आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो उनकी वजह से ही खड़े हैं। मेरा नाम अरुण कुमार यादव है, मैं 11वीं क्लास पढ़ा हूँ और उसके बाद जन शिक्षण संस्थान इंदौर में मैंने प्रशिक्षण लिया 3 महीने का कोर्स मोटर वाइंडिंग का। यहाँ के प्रशिक्षण शुल्क 200 रुपये जमा कराया और आज मैं 2 से 3 हज़ार रुपये मासिक कमा लेता हूँ। मैं जन शिक्षण संस्थान का बहुत आभारी हूँ, जिससे मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जन शिक्षण संस्थान इंदौर से कंप्यूटर बेसिक प्रोग्रामिंग का 4 माह का कोर्स किया था। मैं इंदौर से बाहर से आया था रोज़गार की तलाश में, और यहाँ पर स्वावलंबन के प्रयास हेतु मैंने ये फील्ड चुनी, और अब मेरा खुद का ये व्यवसाय चल रहा है कंप्यूटर स्कूल के रूप में। और मैं जन शिक्षण संस्थान के में भी यदि अधिक स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स मुहैया कराते। मैंने 2 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाने वाले रखे हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ और 2,000 रुपये सैलरी पर मंथ पाता हूँ। मैंने जन शिक्षा संस्थान से कोर्स सीखा था। ये उस समय शिक्षित होने के कारण मैं बेरोजगार था, काम नहीं मिल पा रहा था, तो ये लाइन में रुचि थी मेरी टीवी ट्रांसमिटर में। उस समय पे हमारे यहाँ पे केवल रेडियो ट्रांसमिटर का कोर्स सिखाया जाता था। जब मैंने यहाँ पर कोर्स सीखा, सीखने के बाद मैंने फिर बाजार में प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद फिर टीवी का कोर्स भी सीखा, फिर उसके बाद अपना खुद का स्टॉप डाला, खुद का वर्कशॉप भी है मेरा, और यहाँ पर पार्ट टाइम सुबह के समय यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को। मुझे तकरीबन इनकम मंथली 10,000 रुपये के लगभग हो जाती है, 8 से 10 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा लेते हैं हम लोग। मेरे यहाँ पर दो व्यक्ति और भी काम करने वाले हैं जो शॉप में काम करते हैं, मेरा सहयोग भी देते हैं, उनकी भी आय निकालने के बाद मैं इतना कमा लेता हूँ 8 से 10 हज़ार रुपये। मैंने 97 में सेल्समैनशिप ट्रेनिंग लिया जन शिक्षण संस्थान से। उसके बाद मैंने फिर 2-3 साल उससे सेल्समैनिंग किया बाहर। उसके बाद फिर मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लोन लिया, 97 मिला मेरे को, उसमें मैंने दुकान किया है। दुकान से मेरे को अभी बेनिफिट मिल रहा है। वैसे दुकान को मेरा 2 महीने हुआ है, वैसे धीरे धीरे बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये लोन चुकाता हूँ मैं तो मुझे 1 से 2 लाख मिलेगा। उससे दुकान में बड़ी कर मेरा बिजनेस बढ़ा सकता हूँ मैं। जो ट्रेनिंग सीखा है उससे मेरा आत्मविश्वास जागा। जन शिक्षण संस्थान का धन्यवाद। जन शिक्षण संस्थान अपनी नई भूमिका में इंदौर नगर से आगे बढ़कर इंदौर जिले के लिए कार्य करेगा। जो नवसाक्षर भाई बहन अभी लिखना पढ़ना सीखे हैं उनको व्यवसाय कौशल देना ये जन शिक्षण संस्थान की मुख्य भूमिका होगी। चुनौती के रूप में और आदर्श के रूप में वह 2 नोडल केंद्र संचालित करेगा, जिसके अंतर्गत 20 CEC सेंटर होंगे। जन शिक्षण संस्थान इंदौर के द्वारा संचालित नोडल सतत शिक्षा केंद्र की प्रेरक श्रीमती शोभा शर्मा है। इंदौर जिले में साक्षरता अभियान सन 1995 में शुरू हुआ था। इसके बाद यहाँ पर उत्तर साक्षरता अभियान के बाद
वर्तमान में सतत शिक्षा परियोजना संचालित है, जिसके तहत इंदौर जिले में 92 नोडल सतत शिक्षा केंद्र संचालित हो रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान वर्तमान में 2 नोडल सतत शिक्षा केंद्रों का संचालन कर रहा है, उनमें से यह नंदानगर जो केंद्र का नोडल सतत शिक्षा केंद्र है, वहाँ पर वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ जो साक्षरता कार्यक्रम से छूटे हुए हितग्राही थे उनको साक्षर करने का कार्य भी जन शिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। ये तीनों नौ साक्षर हैं, इन्होंने राष्ट्रभाषा की परीक्षा दी है। अभी यहाँ पर सिलाई सीख रही हैं, बैग सीखती हैं, कपड़े के बैग और कढ़ाई वगैरह, बंदेज कपड़े के बैग, क्रोशिया कढ़ाई, मेहंदी, ये सब करके अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है और हम लोग इन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। ये चारों निरीक्षर हैं और पढ़ रही हैं, साथ में कपड़े के बैग बनाना सीख रही हैं ताकि अपने घर पे कुछ अपने 4 पैसे कमा सके और अपने घर की कुछ सहायता कर सके। मैंने यहाँ पे आते पढ़ाई की, पहले बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब थोड़ा जानती थी लेकिन इतना नहीं जानती थी। उसके बाद यहाँ आके मैंने पढ़ाई की और अब मैं अच्छे से बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और फिर यहाँ आके कुछ मैंने ट्रेनिंग भी सीखी है, जैसे ये इसकी गणपति की इस ऐसे बनाती हूँ। मेरा नाम मनोरमा उपाध्याय है, मैं इस जन संस्था शिक्षा में 7 साल से कार्यरत हूँ। मैं 9 साक्षर को यहाँ पढ़ा के उनको 3 इकाई पूरी करके उसके अलावा राष्ट्रभाषा की परीक्षा में प्राथमिक, प्रारंभिक और प्रवेशी परीक्षा में बिठा के उनको छोटी मोटी ट्रेनिंग, जैसे उसकी ये मेहंदी की हुई है, कढ़ाई की हुई है, इसको इस करके थोड़ा बहुत उनको पैर पे खड़ा हो जाए और घर पे भी अपनी मम्मी को बड़ी बड़ी बनाने में सहायता करती तो उसमें भी मदद करती और वहाँ पे कहती है कि हम पहले वो करके आएंगे जिसके बाद आपको हाथ बताएंगे। मेरा नाम ममता राजे सूर्यवंशी है और मैं यहाँ पर 9 साक्षर हूँ। मैं 3 प्राइमरी ख़त्म करने के बाद यहाँ पर सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम सीख कर और कुछ काम करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर सारे ट्रेनिंग चलाती हूँ और मेरा नाम है रोहिणी करणिक। तो ये जो है ये स्कूल से ड्रॉप आउट है, इस तरह की कई लड़कियाँ महिलाएँ यहाँ पर आती है जो कि बोलती है हमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग सिखाओ कि हम अपने पाँव पर खड़ा हो सके। तो हम इनको ये सारे ट्रेनिंग देते हैं, जूट है, क्रोशिया है, सिलाई है, कपड़े के बैग बनाना है, बटीक है। क्रोशिया में हम इनको इतने अच्छे आइटम बताते हैं कि ये बनाकर बाज़ार में सेल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन से इनका ट्रेनिंग चालू हुआ है। इनकी फ़ीस मात्र 20 रुपये है 15 दिन की और 15 दिन में हम इनको इतना अच्छा ट्रेन कर देते हैं कि ये बाज़ार में जाकर अपना कुछ भी सामान बेच सके। जैसे इन्होंने ये स्कर्ट बनाया हुआ है तो ये अभी छोटे आइटम बताए इनको, इसके ऊपर से ये बड़े बना लेते हैं। और ये जैकेट बना रही है, ये तो फ्रॉक बना रही है क्रोशिए के, ये क्रोशिए के फ्रॉक अभी छोटे, अब ये बड़े बनाकर सेल करती है तो 100 या 150 रुपये इसमें ये कमा लेती है एक फ्रॉक के। और ये टीवी कवर है तो ये छोटे छोटे फूल बनाना सिखा है उनको, जोड़ कर ये बड़ा बना रही है। इसके सारे इन्हें 20 रुपये में सारा बताते हैं हम। फीस बहुत कम लेते हैं क्योंकि श्रमिक क्षेत्र है तो यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा नहीं दे सकती, कुछ तो मिल बंद पड़ चुकी है तो उन्हें हमें निःशुल्क भी करवाना पड़ता है, सभी से फीस भी नहीं लेती। वैसे बहुत कम से कम फीस में इनको इतने अच्छे आइटम सिखा देते हैं। हमने भी यहीं से क्रोशिए का काम सीखा था, अब हम लोग घर पे चलाते हैं और 500-1000 रुपये महीना कमा लेते हैं। हम जन शिक्षण संस्थान के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमें पैरों पे खड़े होने का मौका दिया। मेरा नाम नीलम भार्गव है, मैंने जन शिक्षण संस्थान से ये क्रोशिए का काम प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब जिस हिसाब से ऑर्डर आते हैं मैं उन ऑर्डरों के हिसाब से ये सभी चीज़ें बना लेती हूँ, अलग अलग तरह की, जैसे थालपोस है, शॉल है, तोरण है, ऐसे चीज़ें बनाती हूँ और बेचती हूँ, सेल कर लेती हूँ। अब अभी तो मेरी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगी आगे। मैं जन शिक्षण संस्थान की आभारी हूँ कि यहाँ से मुझे ऐसे काम करने सीखने का मौका मिला जिससे मैं अपना काम कर सकती हूँ, अपनी सेल कर सकती हूँ।
मैं पूर्वा पांडे, मैंने यहीं जन शिक्षक संस्थान से क्रोशिया का काम सीखा। वैसे मैंने बीकॉम किया है, लेकिन उसके बाद भी अपने को प्रॉब्लम रहती है कि अपन क्या करें क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और यहाँ पर टीचर्स लोगों की मदद से मैंने ये काम को बहुत जल्दी और बहुत कम समय में पूरा कर लिया। और मैं बहुत सारे आइटम बनाती हूँ, और स्पेशली मुझे जूट का काम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये बनाया है। और इसको बना के मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल कर सकती हूँ, और ज़्यादा आमदनी मुझे इससे होती है। और मेरे जैसी और भी जो महिलाएँ हैं या जो भी बालिका हैं, मैं उनको भी सिखाती हूँ। और जो रेट यहाँ हैं वही रेट में मैं उनको सिखाती हूँ, और वो भी मेरी तरह इस कार्य को सीख कर फ़ायदा उठा रही हैं। और मैं इस संस्था का इसीलिए आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने कम समय में और इतने कम पैसे में और कहीं हम सीख नहीं सकते थे, इसलिए ये एक संस्था हमारे लिए बहुत ही क्या बोलना चाहिए, अच्छी है। मधुबाला तिवारी है, मैंने जन शिक्षण संस्थान से मैंने बटिक और बंदेज का कोर्स किया है और मैं इसको बेच कर और लड़कियों को सिखा कर 400-500 रुपये कमा लेती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिन लड़कियों को सिखाती हूँ वो भी अपने सेल्फ खर्चे निकाल सके और दूसरी लड़कियों को भी सिखाए। बटिक के काम के साथ साथ मैंने फेब्रिक पेंटिंग और कढ़ाई और नेट की कढ़ाई मैंने सीखी है यहाँ से, और साथ में मैंने सिलाई, बैग बनाना, मेहंदी और ग्रीटिंग कार्ड्स और थर्माकोल पेंटिंग्स आदि कोर्स मैंने यहाँ से किए हैं। मेरा नाम रुक्मणी चौहान है, मैंने 12th की एग्ज़ाम दिए इस साल, कॉमर्स सब्जेक्ट है मेरा। मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से जन शिक्षण संस्थान से ये सिलाई का काम सीखा है। मैं ये ब्लाउज़ वगैरह बनाती हूँ, ग्राहकों के भी बनाती हूँ। इस कारण मुझे महीने में 400-500 रुपए की इनकम हो जाती है, इससे मेरी पढ़ाई में मुझे हेल्प मिलती है। मैंने भी यहाँ पर सिलाई सीखी है, एवं यहाँ से मैंने ब्लाउज़ और सभी प्रकार के कपड़े सिलना सीखा है, और मैं भी बनाती हूँ यहीं पर। मैंने क्रोशिए के काम के साथ साथ कढ़ाई का काम भी सीखा है, और अब मैं साड़ियों पे कढ़ाई करके भी बेचती हूँ। मैंने ये कढ़ाई का काम भी यहीं से जन शिक्षण संस्थान से सीखा है, मैं ये काम भी करती हूँ। ये कढ़ाई मैंने बोरे के ऊपर कढ़ाई करके फिर बनाई गई है, इस तरह का काम मैं करती हूँ और इसे बनाती हूँ। मेरा नाम मीता शर्मा है, मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन हूँ। ये जन शिक्षण संस्थान की लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत सन 1960 से हुई थी। ये श्रमिक आंदोलन से जुड़े लोगों के द्वारा दी गई पुस्तकें हैं। यहाँ पर टोटल पुस्तकों की संख्या 15,000 के लगभग है। यहाँ पर लाइब्रेरी का समय 11 से 5 है, जो सतत रूप से चलता रहता है। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल है, और यहाँ पर सब आयु वर्ग के लिए पुस्तकें हैं। महिलाओं के लिए अलग पत्रिकाएँ हैं, बच्चों के लिए अलग है, बाल साहित्य है, और जो श्रम आते हैं बुजुर्ग और उनके लिए अलग साहित्य है, और प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी अलग से व्यवस्था। Thank you.
जन शिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं नव साक्षरों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जिससे उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता में वृद्धि हो सके और वह एक योग्य नागरिक एवं परिवार के सदस्य की भूमिका निभा सके और परिवार की जीविका सुचारू रूप से चला सके। देवी अहिल्याबाई की इस नगरी इंदौर में स्थित जन शिक्षण संस्थान कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार पाने, खुद का रोजगार शुरू करने या कोई भी ऐसा काम सिखाने जिससे कुछ ना कुछ आमदनी हो जाए, ऐसे कार्यों के लिए अति प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। तो अब विदा लेते हैं इंदौर नगरी से इस खुशी के साथ कि यहाँ के जन शिक्षण संस्थान इतने सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं कि वहाँ के लोग यहाँ से शिक्षा पाने के बाद अति सफल रूप से अपना जीवन चला रहे हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।